हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे आप अपनी खुद की एक ब्लॉगिंग वेबसाइट बना सकते हो जिसमें आप बहुत सारे ब्लॉग पोस्ट कर सकते हो और उनसे पैसे कमा सकते हो। तो गाइस, वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो सबसे पहले आप जाइए, एक वेबसाइट है blogger.com। तो गाइस, इस वेबसाइट में आने के बाद आपको इस टाइप का इंटरफेस दिखेगा। ओके, तो गाइस इसके बाद आपको यहाँ पर साइन इन करना है। ओके, क्रिएट योर ब्लॉग और साइन इन, दोनों में से एक में आपको क्लिक करना है। ओके, तो यहाँ से आपको अपने जीमेल अकाउंट से इसको साइन इन कर देना है। तो गाइस, मैंने यहाँ पर अपने जीमेल अकाउंट से लॉगिन कर लिया है। ओके, तो गाइस यहाँ पर देखिए, क्रिएट अ न्यू ब्लॉग। तो गाइस यहाँ पर आप अपने ब्लॉग का टाइटल दीजिए जो पूरी वेबसाइट का टाइटल हो। ओके, तो मैं यहाँ पर लर्न टू स्मार्ट रख रहा हूँ। ओके, तो नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर जो आपकी वेबसाइट का URL होगा वो एड्रेस आपने सेलेक्ट करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप रख सकते हैं लर्न टू स्मार्ट, सॉरी दिस ब्लॉग एड्रेस इज नॉट अवेलेबल। तो ये अवेलेबल नहीं है, तो मैं इसको ब्लॉक कर देता हूँ आगे। ओके, तो ये भी अवेलेबल नहीं है, ब्लॉग नहीं है, तो ब्लॉक्स कर देते हैं। ओके, सो दिस ब्लॉग एड्रेस इज अवेलेबल। ओके, सो सेव पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपकी वेबसाइट क्रिएट हो गई है। सो यहाँ पर आपकी वेबसाइट ये देखिए, लर्न टू स्मार्ट blogs.blogspot.com। तो ये आपका URL हो गया। और गाइज, आप यहाँ से आप अपनी वेबसाइट को कस्टमाइज कर सकते हैं। ओके, सो सबसे पहले गाइज हमको अपनी थीम सिलेक्ट करनी है। ओके, तो सबसे पहले थीम में जाइए आप। ओके, सो यहाँ से आप कोई भी थीम सिलेक्ट कीजिए जो आपको अच्छी लगे। सो मैं यहाँ पर ये वाली थीम सिलेक्ट करता हूँ। सो अप्लाई पर क्लिक किया मैंने। सो दिस न्यू थीम अप्लाइड सक्सेसफुली। सो जैसे ही मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये चेंज हो जाएगा। ये देखिए गाइज, चेंज हो गया। तो सबसे पहले हम पेजेस में जाएंगे, पेजेस अपने क्रिएट करेंगे। यहाँ पर पेजेस में जैसे कि गाइस होता है अबाउट अस, तो ये दो पेज हमारे ऐड हो गए हैं। तो यहाँ से उसके बाद हम लेआउट में जाएंगे। सो सबसे पहले हम हेडर में एडिट करेंगे इसको। अब हम यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। ओके गाइस, फिलहाल मैं यहाँ पर अभी डेमी टेक्स्ट यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ से गाइस आप अपनी साइट का लोगो ऐड कर सकते हैं। मैंने पहले से यहाँ पर लोगो रिसाइज करके रखा है। सो ये मैंने लोगो ऐड कर दिया। सो हेडर हमारा कंप्लीट हो गया है। ये देखिए, ये लोगो भी आ गया है। ये पेजेस यहाँ से अभी शो नहीं हो रही हैं। ओके, शो पेजेस हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, होम, कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस। तो ये तीनों हमारे शो हो जाएंगे। तो सेव किया और ये हमारे यहाँ पर पेजेस आ गए, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट। तो अब यहाँ से आप इनको भी चेंज कर सकते हैं और एट्रीब्यूट्स, यहाँ से आप कॉपीराइट फुटर में वो आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर कॉपी, ओके, इस स्टाइल से आप कॉपीराइट अपना ऐड कर सकते हैं। सो उसके बाद गाइस सेटिंग में जाएंगे आप। यहाँ से आप फेविकॉन ऐड कर सकते हो। फेविकॉन क्या होता है गाइस, जो ये आइकन आ रहा है ई, छोटा सा आइकन, इसको फेविकॉन कहते हैं गाइस। ओके, सो यहाँ से आप इसको भी अपनी वेबसाइट के लिए बनाकर ऐड कर सकते हैं। यहाँ इसका साइज 100 KB से कम होना चाहिए। ओके, सेव। सो जैसे हम रिफ्रेश करेंगे, ये हो गया गाइस। देखिए, ये छोटा सा लोगो, इसको बोलते हैं फेविकॉन। सो गाइस, अब आप यहाँ से ब्लॉग पोस्ट ऐड कर सकते हैं। पोस्ट में जाइए, यहाँ पर प्लस आइकन में क्लिक कीजिए। तो देखिए गाइस, मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ। आप अपना कोई टाइटल जो भी आप लिखना चाहते हैं वो यहाँ पर लिखिए। मैं भी फिलहाल एग्जांपल के लिए यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ। ओके गाइस, सो इसमें एक फ़ोटो ऐड करते हैं हम। तो मैंने ये फ़ोटो ऐड कर दी यहाँ पर, और इसको रिसाइज भी कर सकते हैं गाइस आप। तो इसको हम पब्लिश कर देते हैं। तो देखिए, ये हमारा फर्स्ट ब्लॉग रेडी हो गया है। जैसे हम इसको रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पर हमारा फर्स्ट ब्लॉग दिखना शुरू हो जाएगा। ओके, तो इमेज भी आ गई है। ओके, और ये रीड मोर में जैसे क्लिक करेंगे तो ये आ गया। और जैसे हम एक नई पोस्ट ऐड करते हैं, पेस्ट, और यहाँ पर गाइस हम कोई भी हम लिंक ऐड कर सकते हैं, क्रिएट एडिट URL, ये डमी पे।
और यहाँ पर हम कोई भी यूआरएल जैसे यूट्यूब का हम ले लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट करते हैं और ओपन दिस लिंक अ न्यू विंडो। तो इसको, ये एक्सटर्नल लिंक है तो इसको न्यू विंडो में ओपन करना होगा। ये देखिए इसमें भी हम एक इमेज ऐड कर देते हैं, सेम इमेज। सो इसको पब्लिश कर दिया हमने। सो यहाँ पर दो ब्लॉग हमने ऐड कर दिए हैं। तो देखिए गाइस, ये दूसरा ब्लॉग हमारा आ गया, ये फर्स्ट ब्लॉग है और ये सेकेंड। सो इस टाइप से गाइस आप फ्री में एक ब्लॉगिंग वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं और उसमें बहुत सारे ब्लॉग पोस्ट कर सकते हैं। अगर आपकी ब्लॉग्स को बहुत सारे लोग रीड करते हैं तो आपकी अर्निंग भी स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए, अर्न मनी, गेट पेड फॉर योर हार्ड वर्क। ओके गाइस, सो इसमें हार्ड वर्क करना पड़ता है। सो गाइस, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और गाइस, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे एक प्रॉपर SEO ऑप्टिमाइज्ड ब्लॉग लिखा जाता है और कैसे उसमें प्रॉपर कीवर्ड यूज किए जाते हैं। ओके, थैंक यू सो मच वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए।